तो यार आ चुके हैं एक वीडियो के साथ वापस। अब गाइज एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अपडेट आने वाला है जिसकी खबर ऑलरेडी एक महीने पहले से आ रही थी बट मैंने इतना देखा नहीं। अब देखो कल जब मैं YouTube देख रहा था तो मेरे को सडनली एक क्लिप दिखी। इस वाली क्लिप की बात नहीं कर रहा, ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, ये तो जस्ट एक एनिमेशन है, लेकिन जो क्लिप मैंने देखी भाई वो बहुत कमाल की, और मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो मेरी नहीं है, जिन भी भाई साहब की वीडियो उनको मैं क्रेडिट दे दूंगा, लेकिन ये क्लिप देखो गाइज। अब जो अपडेट आने वाला है, वैसे ये जो वीडियो है, ये जो गेम प्ले है, ये किसी और का गेम प्ले है एंड ये चाइनीज़ वर्जन का भी एक बीटा वर्जन है उसका गेम प्ले है, तो उनको क्रेडिट मैं दे दूंगा। लेकिन भाई इसमें जो आपको सूट मिलने वाला, जो पावर मिलने वाली ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। मतलब आप खुद देखो यार, इसमें आपको जो है लिटरली एक स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आएगी, वो भी पबजी के अंदर। मैंने सोच भी नहीं सकता था यार पबजी के अंदर ऐसा अपडेट भी आ सकता है। वैसे ये बहुत प्यारा अपडेट है, मतलब इसके जरिए आप कितनी चीज़ें कर सकते हो। आप सोचो, आपको ब्रिज के ऊपर चढ़ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको आपका जो है जाला वहाँ पे फेंकना है और लो जी आप चढ़ गए। बस आपका जो एम है वो अच्छा होना चाहिए। और जब मैं देख रहा था ना यार, ये बहुत वीडियो मैंने देखा यार यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने यार ये कर रखा है, तो मैं देखा, मैंने बोला चलो ठीक है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये एक भाई साहब का गेम प्ले मिला था, इसमें इस भाई ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें करके बताई थी, तो मैंने बोला यार चलो ये अपडेट का अपन वेट करेंगे। वैसे ये जो अपडेट है कुछ टाइम के अंदर BGMI में भी आ जाएगा। अब सबसे पहले तो वेट करना पड़ेगा, पहले ये पबजी के अंदर आए, उसके बाद कुछ टाइम बाद BGMI में आएगा। मतलब BGMI में जो भी लोग वेट कर रहे हैं इस अपडेट का, थोड़ा सा टाइम लगने वाला गाइस। लेकिन हाँ, जैसे अगर पबजी में आ गया तो उसके कुछ टाइम बाद जो है ये BGMI में भी आ जाएगा। वैसे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। भाई रश करना ना किसी पे, सबसे बेस्ट है कि भाई सीधा उसकी छत के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से रश करो, भाई एक नंबर मजा आने वाला है। खैर आ चुके यार रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ वापस। वैसे यार शेयर कर देना ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी दिखाना कि भाई कितना तगड़ा अपडेट जो है आने वाला है। फिलहाल हम उतरे यहाँ पे। अब देखो इस वाले मैच में ना, अब जो शुरुआत होती है ये वाले मैच में वो होती है एकदम तगड़ी शुरुआत। एंड आपको भी पता गाइस, जब आप 2-3 या 5 किल कर रहे थे तो मतलब एकदम हाथ गर्म हो जाता है और आदमी और ज़्यादा रश करने बैठ जाता है, एकदम कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। अब यहाँ पे भी वैसे हुआ, 2-3 किल वहाँ करे और उसके बाद ना हम ना इधर आ जाते हैं। यहाँ पे इस बंदे को निपटाया, अब उसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक बंदा और रहता है उनका, तो उसको मारने के लिए जाते हैं हम। लेकिन इतनी देर में इस बंदे ने डिस्टर्ब किया तो इस बंदे को हमने निपटा दिया, लेकिन अंदर से उसका टीममेट आ रहा था इसको बचाने के लिए। अब ये जो बंदा है ये क्या करता है, ये अपनी सारी की सारी लूट वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम मारते हैं अंदर वाले को, अंदर वाले को मैंने नॉक कर दिया था। फिनिश करने के बारे में मेरी टीममेट की थी, तो मैं यहाँ पर चुपचाप फील करता हूँ और देखता हूँ कि वो जो बाहर वाला किल है वो कहाँ चला गया। उसको मैंने नॉक किया था और वो अपनी लूट भी यहाँ पर छोड़ रहा है, लेकिन वो गया कहाँ आई डोंट नो। अब उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा और वेट किया मैंने कि चलो मिल ही जाएगा वो। तभी ना एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं पीछे से, जो कि हम पे रश कर रहा था। तो निपटाया इस बंदे को काफ़ी इजीली और उसके बाद ना यहाँ पे बंदे बच नहीं रहते, लेकिन वो बंदा मेरे को मिला नहीं। हालांकि उसका किल जरूर मिल गया, उसकी पेटी नहीं मिली। अब जितने बंदे थे बस यही थे यार, तो मैंने एक AKM उठा ली क्योंकि हर तरफ DP थी। और उसके बाद हमने सोचा यार वेट क्यों करना, सीधा नीचे चलते ना किल करते हैं। देखो अभी जब भी किल मिले हैं तो भाई उसके बाद ऐसा रहता है कि हाथ गर्म रहता है, तो जितने ज़्यादा बंदे मिले उतना ज़्यादा किल बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हमने सोचा, नीचे उतरे, सीधा मैं इस तरफ आया क्योंकि यहाँ से फायरिंग हुई थी और ऊपर से मेरे को एक बंदा दिखा था जो कि वेयर हाउस की तरफ गया था। अब आई होप उन्होंने मेरे को ना देखा हो, तभी एक और बंदा निकलता है इसके अंदर से और फिर वो बंदा अब उसके बाजू पे लगा था हल्का सा, मेरे को लगा वो ऊपर जाएगा तो उसको मैं पीछे से मारूंगा, बट वो बंदा जो है थोड़ा समझदार था, उसको पता था यहाँ से बाहर से एंगल बन जाता है, तो टिप भी ले रहा था। उसके बाद हील करने के बजाय वो पीछे की तरफ भागता है, मेरे को लगा यार कहाँ ही भागेगा, ओपन ही तो है हर जगह। वो बंदा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश करता है, बट वही भी मारा जाता है। अब यहाँ तक ठीक था, देखो 8 या 9 के करीबन किल हो गए थे हमारे, ठीक है। तो हमने सोचा अब रुकना क्यों भाई, मतलब अभी तो जस्ट 75 बंदे जिंदा यार, अभी तो कुछ भी हुआ नहीं है। मतलब तो हम आ गए यहाँ पे, अब ये स्क्वायर था, ठीक है। अब मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, मैंने यहाँ पे था एक बहुत तगड़ी गलती कर दी, सीधा भागता गया, वेट नहीं किया मैंने किसी का भी, सीधा भागता गया और किसने नॉक किया, किसने फिनिश किया कुछ पता नहीं चला। और मेरे साथ जो बंदा था वो भी
मेरे चक्कर में फिनिश हो गया। अब मेरे टीममेट थे दूर, मैं यहाँ पे ना छुप जाता हूँ। मैंने बोला यार मेरे टीममेट के आने का वेट करता हूँ, बैठ यार ऐसी किस्मत का। वैसे एक क्लिप मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसमें जो है सेम सीन होता है और बहुत देर बाद आपको मेरे टीममेट मेरे को बचा भी लेते हैं। अब वहाँ पे तो यार वैसा नहीं हो पाया, मैंने सोचा यार सेम गलती नहीं करने का दोबारा। अब भाई जो भी गन मिले उसी से काम स्टार्ट करो फिलहाल तो। अब इसका एक टीममेट था जो पीछे था और शायद उसकी लिफ्ट कंप्लीट हुई नहीं थी अभी तक, वो टीपीपी ले रहा था। और इसको जाते जाते एक हेड लगा ही दिया मैंने फिर भी। अब इसकी बारी थी जो पीछे थे, मैंने सुन लिया था लेकिन किस्मत इसकी अच्छी होती है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर मरा था और जब तक मैं वहाँ पे जाऊँगा ये बंदा जो है पीछे की साइड कूद जाएगा। बट उससे पहले कि वो कूदे मैं जल्दी जल्दी उसको ढूंढने के लिए जाता हूँ, बट पहाड़ी के ऊपर ही था यार और उसको ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं यार कूदने को। तो जब मैं यहाँ पे देखने के लिए आया तो वो बंदा शायद कूद चुका था क्योंकि यहीं पे नॉक हुआ था, तो यहाँ से कूदना काफ़ी ईजी है। अब मैंने बोला यार क्या है एक किल के लिए जाना, 200 रुपये पुश करते हैं। लेकिन उस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए यार यहाँ पे। हमारी तरह वैसे आप ये गलती मत करना, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे वहाँ पे। और फिलहाल हम आ जाते हैं सीधे जॉर्जो पुल, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, गाड़ी उठाई और देखो वही वाली बुलेट, वही गाने जो ऊपर से नीचे आते समय मिलती है और उतनी ही बुलेट है, ठीक है। कुछ लूट नहीं करी, सीधा गाड़ी में बैठे और आ गए डायरेक्ट। अब इसको मारेंगे सबसे पहले तो, और याद रखना कि ये बंदा डैमेज हो रखा है, ठीक है, डैमेज हो रखा है ये बंदा। हील करने की बजाय भाग रहा था। वैसे आप इसकी तरह गलती मत करना, आप ट्राई कर सकते हो वनिंग बेट, जहाँ पे जो है गाइस बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, आपको जस्ट प्रेडिक्शन करना है। फॉर एग्जांपल एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, आपको प्रेडिक्शन करना है कि कौन सी टीम जीतेगी, और अगर आपकी प्रेडिक्शन बाई चांस सही रहती है तो भाई आप ढेर सारा कैश जीत सकते हो, और कैश ना सिर्फ जीत सकते हो उसको विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम अपने बैंक में, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट करना, ठीक है। अब यहाँ से फायरिंग हुई तो मेरा टीम नॉक हो गया वहाँ पे, और मजाक मजाक में सही लेकिन मैंने भी कर दिया उनके एक बंदा। देखो जब आपके आधे पांव पानी के अंदर होने तो पंगे नहीं लेते, वही पहला हिसाब हो गया ये वाली टीम के साथ। देखो दोनों के दोनों बंदे जो है पानी में थे, और पानी में होने के कारण जो है जो फुटस्टेप है वो काफ़ी हद तक जो है लॉक हो जाते हैं यार, इतना मूवमेंट तेज़ी से नहीं हो पाता। सो यहाँ पे जो है अगर ये थोड़ा सा डिले करते फाइट को तो शायद कुछ हो पाता, क्योंकि इन्होंने हमारे एक बंदे को नॉक कर ही दिया था और मैं तो क्या ही था इन लोग के सामने, तो ये मेरे को भी पेल ही देते इजीली दोनों मिलकर। बट वहाँ पर मैं बच गया और उसके बाद आते भाई यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी देखी थी ड्रॉप लूटते हुए ऊपर आते हुए, लेकिन जब मैं यहाँ पे उतरा तो कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। अब हो सकता है कि बंदा ऊपर हो लेकिन मैं फुटस्टेप कर रहा हूँ क्योंकि वो अकेला हो, तो मैं गया ऊपर चेक करने। अब ऊपर जब मैं चेक करने गया तो यहाँ पे वाकई में कोई भी नहीं था। अब यहाँ पे इसलिए नहीं था क्योंकि भाई साहब ऊपर शिफ्ट हो गए थे उस वॉच टावर के अंदर, तो हम गए और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा फायर वायर दिया ताकि पीक मत लेना, वरना मैं उतर जाता ना वहाँ पे। तो अब हम जाते रश करते हैं, ठीक है। मैंने टीम को बोला थोड़ा आराम से करना, ये ना हो वो नॉक एंड फिनिश डाले तो एक साथ चलते हैं। अब मेरी किस्मत इतनी घटिया है कि हमें लगा कि मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया, मेरे भाई को भी लगा कि हमने इसको फिनिश कर दिया, तो हम ना नीचे एक बॉट दिखा था इसको मारने आ गए, इसको मार के हम चुपचाप यहाँ से चले जाते, लेकिन किल मिला मुझे एक, और वो जो नोक बंदा है ना वो अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। बट बेचारा उसकी किस्मत इतनी घटिया किस्मत कैसे हो सकती है यार, कोई बचाने नहीं आया यार उसको। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अब या तो ये बचने वाले थे या तो हम बचने वाले थे, लेकिन दोनों ही बच गए क्योंकि हमारी गाड़ी ठुक जाती है और वो जो है निकल जाते हैं। तो हम उनका पीछा करने के लिए जाते जरूर है लेकिन वो लोग हमें कहीं मिलते नहीं, तो हमने सोचा एक काम करते हैं यहाँ से सीधा ड्रॉप लूटते हैं और यहाँ जो सामने से फायर आया ना इन पे चलते हैं, और कोई हो ना हो ये तो पास में ही है। अब ये जो आस्क ओपी बोल के बंदा है ये डीपी चला रहा था और डीपी हमारे सामने से चल रही थी, मतलब यही बंदा है जो भी है, अब इसको निपटाना था और देखना था इसकी टीम है कहाँ पर। तो हम जब गाड़ी घुमाते हैं तो यहाँ से फुटस्टेप थोड़े से आ जाते हैं हमको, तो ये बंदा तो वैसे वाली टीपी भी नहीं ले रहा था जो कि एकदम इनिशियली लोग लेते हैं स्टार्टिंग में, बंदा पीछे ही था, बंदा गया कहाँ पता नहीं चला उतना, लेकिन मेरे भाई ने बोला शायद कमरे में हो सकता है। और उससे पहले कि मैं इसको कुछ डैमेज देता मेरे भाई ने बाहर से इसको डैमेज दे दिया और काफ़ी ईजिली निपटा दिया इस बंदे को। लेकिन अब बारी थी यहाँ से निकलने की, हमने सोचा दोनों अलग अलग बगी में जाते हैं,
अब ये जो इंसिडेंट हुआ ना गाइज, मेरी शायद अभी तक की सबसे लंबी चेस थी इस सीजन की या पिछले दो तीन सीजन की। यहाँ पे एक बग्गी वाला मिलता है, मेरे भाई के पास भी बग्गी, मेरे पास भी बग्गी, हम इसका पीछा करते हैं। अब देखो रेस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये रेस इतनी लंबी चलती है गाइस, पूरे मतलब बहुत देर तक चली। मैं टाइम नहीं बता सकता आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर तक चली ये रेस। हम इसका पीछा करते रहे करते रहे करते रहे। अब क्योंकि बग्गी थी तो लिमिटेड स्पीड होती है बग्गी के अंदर, 121-22 तक जा सकते हैं मैक्स बूस्ट करने के बाद भी। तो 120-21 पे वो चला रहा था, 120-21 पे हम चला रहे थे, मतलब मेरी तो 80-90 पे, क्योंकि देखो मोड़ वोड़ काटने में ना स्पीड कम हो जाती है। तो सेम था, मतलब वो मोड़ काट रहा था तो हम उसकी स्पीड कम हो रही थी, बल्कि हमारी भी हो ही रही थी। अब एक पल के लिए इसको बहुत क्लोज आ गया था दबोचने के, बट मैं यार वहाँ पे चकमक आ गया और वो बंदा निकल गया। अब बहुत आगे आ गए, बहुत आगे वहीं घूमे जा रहे थे, इतनी देर से घूमे जा रहे थे भाई गतका के अंदर। ये जॉर्जो पुल ले गया बंदा पूरा पोचिंकी से, वापस यहीं पर आ जाते हम। लेकिन इस बंदे को पकड़ नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, फ्यूल पूरा ख़त्म होने को आया है, लेकिन इस बंदे को पकड़ नहीं पाए हम दोनों। हेड द एंड हम इसी की कोई गलती का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी भाई, हम पूरे परेशान हो गए थे, मेरे हाथ थक गए थे यार इतना, मतलब बूझ दबा दबा के इतना, थोड़ा होता ना आदमी थोड़ा फोकस्ड हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर जाके धर दबोचा यार इस बंदे को। इतनी लंबी चेज थी ना भाई, इतनी लंबी चेज थी। फिलहाल अब ऊपर से भी फायर आया था तो वहाँ भी जाना था, लेकिन सामने ड्रॉप था और ड्रॉप पे थी गाड़ी। अब ये फायर करके जस्ट इनको इतना बताना था कि हम आ रहे हैं पीछे से, यहाँ तो रुक के फायरिंग करो, भागना मत बस। अब बेचारे कैसे फिसल के, कैसे गिर रहे बेचारे फिसल के, देख रहे हो गाइस। इनका एक बंदा तो इतना डैमेज था कि वो फिसल के गिर गया गाइस, पता वो फिसल के ही गिर गया। अब वो गिर गया फिसल के, तो हम वापस आते इस जगह पे। वापस जब आके देखा तो एक बाइक जा रही होती है सामने से, जाती है तो मारते इनको। और बाइक में जाने वाले को तो काफ़ी इजीली निपटा दिया भाई, एक नंबर भाई, फुल बहुत ईजी था इनको निपटाने के, कोई कवर ववर तो रहता है नहीं। अब वापस जब आते हैं यहाँ पे तो एक और गाड़ी लगी थी ऊपर बिल्कुल टॉप पे, आपको दिखेगी नहीं लेकिन बगी थी वो, नीचे से ग्लिच हो रही थी। जब हम यहाँ पे रुके, दूर थी बगी, कोई बंदा नहीं था, हमने सोचा यार वाकई में कोई बंदा नहीं है। मैंने हाथ में जो है स्कारल ले ली तो थोड़ा और पास जाता हूँ, लेकिन ये जो एंगल था गाइज इतना ख़राब एंगल था मेरे लिए। अब यहाँ पे मैं फंसा जाता हूँ थोड़ा सा, और बहुत बहुत ही ख़राब उसमें मरे हम। एक्चुअली अगर हम इतना पीछे ना रुक के या बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चढ़ाई ना चढ़ते, वैसी वाली वहाँ पे ढलान नहीं होती, तो शायद वो जो ग्रुजा वाला बंदा उसको मैं नॉक कर सकता था पहले, जो कि मेरे को दिखा था, लेकिन मैं वहाँ पे फंस गया था, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया था और उसी दौरान उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। अगर वो चीज़ वहाँ पे हो जाती तो शायद वहाँ पे हम दोनों बच जाते और काफ़ी इजीली चिकन डिनर भी हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ऐसा भी होता है यार, ऊपर नीचे भी होता है कभी, क्योंकि और एट द एंड तो ये है तो गेम ही ना, तो गेम में हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है, हम मारते भी हम मरते भी हैं। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मिलते फिर ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको मैं वन स्पीड का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी जो है ट्राई आउट कर लेना आप। टेक केयर एंड बाय।